तो भाई लोग कैसे हो यार। अपन अभी आईफोन 6s में ये पबजी टेस्ट करने वाले। 2021 का लेटेस्ट वर्जन जो आया अपना ग्लोबल का 1.4 का, तो इसमें देखते हैं कैसे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है अभी आईफोन 6। और ग्राफिक्स की बात करें तो स्मूथ प्लस मीडियम लो और मीडियम का ऑप्शन है, मतलब 15 से 20 FPS मुश्किल से दे देगा ये। और देखते हैं अभी TDM टेस्ट करके कैसे क्या चल रहा है, लैग वैग कितना देखने को मिल रहा है। पूरा वीडियो देखना एंड तक, मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, पूरा इसकी जानकारी दूंगा आपको। आईफोन 6 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो वीडियो पूरा देखना, आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो भाई अगर आप ये TDM वगैरह अगर खेलोगे इसमें तो भाई TDM वगैरह चल जाता है ईजीली, हल्के लैग के साथ चलेगा, थोड़ा थोड़ा लैग होगा। और TDM तो ये देखो भाई लैग देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में। जायरो भी इसका उल्टा वर्क कर रहा है, जायरो सीधा वर्क करने के लिए इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ता है फ़ोन को। तो भाई देखते हैं कैसे क्या दे रहा है ये परफॉर्मेंस। देख तो अभी ये देखो लैग देखने को मिल रहा है बराबर, क्योंकि अभी अभी पबजी का अपडेट आया है तो इसमें लैग ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि पिछले वाला अपडेट ईजी चल रहा था, इसमें ये नया वाला में पता नहीं क्या इश्यू है, फ़ोन अब चल नहीं रहा है इतना कुछ खास। ये देखो भाई देख सकते हो आप। और अगर आप क्लासिक खेलोगे तो भाई मैं बता दूँ पूरी बात कि आप क्लासिक में भाई एक एक या दो दो सेकंड का लैग हर जगह देखने को मिलेगा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अगर इसमें आप गेमिंग करना चाह रहे हो तो। भाई बिल्कुल नहीं होगी आज का टाइम, क्योंकि भाई यार बहुत ज़्यादा पुराना डिवाइस हो चुका है और ज़्यादा पहले का आईफोन 6 है। अगर आप आईफोन में अगर जाना चाहते हो तो भाई अगर 7 से नीचे लेना ही नहीं है अगर आपको पबजी खेलना है तो। बाकी आप अगर अदरवाइज़ किसी छोटे मोटे काम के लिए लेते हो तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पबजी भी भाई इतनी चलता है, बस यही प्रॉब्लम है लैग ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पुराना डिवाइस है तो इतना वो होता नहीं है। तो इसमें यूँ है अगर आप पबजी के लिए लेना चाहते हो तो आईफोन 7 ही ले, ये नहीं ले ये, क्योंकि आप क्लासिक नहीं खेल पाएंगे इसमें। आप क्लासिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, दो दो तीन तीन सेकेंड के लैग देखने को मिलेंगे, और हॉट ड्रॉप पर उतरोगे तो ग्राफिक्स नहीं खुलेंगे। और अगर आपको क्लासिक का वीडियो देखना है तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपको पूरा क्लासिक का मैच प्ले करके बता सकता हूँ इसमें कैसे क्या चलता है हॉट ड्रॉप पे वगैरह वगैरह। तो फिलहाल TDM में इसको जैसे तैसे खेल सकते हैं अपन ने, इसे थोड़ी भाई मेहनत करके लैग में थोड़ा, इसमें तो क्या वीडियो चल रिकॉर्ड होती है उसमें इतना लैग नहीं दिखना है जितना रियल में दिखता है, तो वही बात होगी। आईफोन 6 का यही है, आप अगर बाय करना चाहते हो तो आईफोन 7 ही लो या फिर एंड्रॉयड में जा सकते हो, बाकी इसमें तो अब कोई मतलब नहीं है, इतना लैग होता है और बहुत पुराना हो चुका है डिवाइस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आईफोन 7 लो या फिर किसी एंड्रॉयड अच्छे डिवाइस में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इसमें आप गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रहा अभी, पबजी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लैग होता है। क्लासिक तो आप खेल नहीं पाओगे, देख सकते हो TDM में तो ईजी है थोड़ा, चलो कम लैग होता है, बंदे भी इतने नहीं होते, चार चार बंदे आते वहाँ वहाँ पे भाई पूरा सर्वर का सर्वर होता है, 100 बंदे, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता इतनी है, देख सकते हो। बाकी आप ये TDM में तो अच्छा खासा चल रहा है, क्लासिक खेलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और तो आप अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो भाई देख लो, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी मैं अपना रिव्यू बता रहा हूँ कि क्या सीन है इसमें क्या नहीं है, क्योंकि अब पबजी का अपडेट बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है टाइम टू टाइम, देखते देख रहे हो आप लैग देखने को मिलते हैं। लो डिवाइस जो नए अपडेट आते हैं जैसे जैसे वो डिवाइस की वाट लगती है वैसे वैसे फ़ोन, मतलब जैसे नया अपडेट आएगा नए लैग ज़्यादा रेंडर फ़ोन ज़्यादा हीट ये सब होता है, क्योंकि फ़ोन उसमें नए नए सिस्टम ऐड करता है पबजी, तो भाई फ़ोन और हेवी चाहिए होता है उसके लिए। तो आप ये फ़ोन तो बिल्कुल भी मत लीजिए अगर लेना चाहते हैं पबजी के लिए, क्योंकि भाई आईफोन 7 से ही स्टार्ट कीजिए अगर आपको कोई भी चाहिए तो पबजी के लिए। आईफोन 7 में अच्छा खासा चलेगा, स्टार्ट भी भाई बहुत जल्दी हो जाता है 15 से 20 सेकंड में, इसमें भाई स्टार्ट होने में टाइम लगता है कम से कम एक मिनट लगता है स्टार्ट होने में। बाकी भाई TDM खेलना हो तो ले सकते हो आप, क्लासिक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये। और अगर आप ऐसे एक टाइम पास करने के लिए खेलते हो तो ये TDM वगैरह खेलते हो तो ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का काम सब हो जाएगा इसमें, क्लासिक वगैरह नहीं प्ले कर पाओगे बस। बाकी आप वीडियो पूरा देख के पता लगा सकते हो, मैं वॉइस ओवर बंद कर दूँगा आप। और भाई रिव्यू कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में, और आपको किस फ़ोन के ऊपर रिव्यू चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, और लाइक और शेयर कर देना आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू। और ये मैं वॉइस ओवर बंद करता हूँ, आप वीडियो एंजॉय कीजिए थोड़ा। 2 फिंगर है ये, 2 3 4 फिंगर है जो भी अपना ये भाई है मेरा।
तो इसमें खेलता रहेगा थोड़ा एडजस्ट करके। ये बाद में लाएगा नया डिवाइस, तो अभी यही है इसके पास, तो ये खेलता है थोड़ा बैग वैग में।